Okay, now let's move on to step 2. In step 2, we will create decision stumps. Okay, so you already know decision stump is a decision tree of depth 1. So, hum log yahan pe jo teen columns hain, hamare teen input columns hain, temperature, wind aur humidity, in teenon ke liye ek ek decision stump banayenge. Okay, so let's say hum sabse pehle temperature ke liye decision stump bana rahe hain. So, let's say hamara criteria is if temperature is equal to low. Yeah. This is the criteria. If this is yes, then we will say you can play. If this is no, you will say you will not play. So this is the criteria. So chale ek baar. Hum sirf is column ke basis par decision le rahe hain. Hum baaki columns ko bhi ignore kar rahe hain. Because hamare paas sirf ek hi depth ka decision tree banane ka capability hai. Okay? So humne criteria kya rakha? कि जहां भी टेम्परेचर लो मेरे को दिखेगा, खुद सोच के देखो, नया क्वेरी पॉइंट आएगा तो मेरे को तीन चीजें मिलेंगी नए क्वेरी पॉइंट में, टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी. बट मैं बाकी दोनों के बारे में कुछ पूछूंगा भी नहीं, मैं सीधे पूछूंगा कि बस मेरे को ये बताओ टेम्परेचर लो है कि नहीं. अब लेट्स से इनकमिंग क्वेरी पॉइंट में टेम्परेचर हाई था, तो सीधे हम नो में गए और मैं बोलूंगा ठीक है हम नहीं खेलेंगे. ओके, आई गेस समझ में आ रहा है वीक लर्नर का काम कैसे हो रहा है. सो यहां पर एक बार देख लेते हैं कि हमारे पॉइंट्स करेक्टली इनकरेक्टली क्लासिफाई कैसे हो रहे हैं. ठीक है, सो एक बार देखते हैं टेम्परेचर इक्वल टू लो, एक और दो, इन दो पॉइंट्स पे यू कैन सी दोनों जगह पे यस है. इसका मतलब अगर एक नया क्वेरी पॉइंट आया होता तो मैं अगर उसमें लो होता तो मैं सीधे बोल देता यस, और ट्रेनिंग डेटा पे भी अगर मैं ये लॉजिक को रन करूं तो देर आर टू. So if there is low, there are two yes and zero no, which means कि दोनों points को मैंने correctly classify किया और कोई भी point ऐसा नहीं था training data में जिसको मैंने incorrectly classify किया. ठीक है, now let's talk about high वाला case. So temperature is equal to low, no मतलब temperature is high. So this 1, 2, 3 and 4. ठीक है, अब एक और चीज, मतलब यहाँ पे no होना सही रहेगा. So high एक no, हाई दूसरा नो, हाई इस बार यस हो गया और हाई ये भी नो. ठीक है, सो हमारे पास इस बार क्या है, देर आर वन यस एंड देर आर थ्री नोस. ठीक है, सो यहां पर यू कैन सी ये एक जो पॉइंट है, दिस पॉइंट मेरा ये वीक लर्नर इसको इनकरेक्टली क्लासिफाई कर रहा है क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में कायदे से इसको नो होना चाहिए था बट ये एक्चुअली ट्रेनिंग डेटा में यस. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो मेरा वीक लर्नर है आउट ऑफ सिक्स गिवन पॉइंट्स एक बार मिस्टेक कर रहा है, विच इज दिस पॉइंट, या तुम ऐसे बोल सकते हो इट्स दिस पॉइंट, इस पे मिस्टेक हो रहा है. ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर हम एनालिसिस बाद में करेंगे. नाउ लेट्स क्रिएट द सेकेंड डिसीजन स्टम्प ऑन दिस कॉलम विंड. ओके, सो विल राइट विंड इक्वल टू यस. This is the criteria. अगर विंड यस है, और यहां पर यस लिखने का जरूरत नहीं था, विंड अगर यस है और विंड अगर नो है, तो हमने फिर से सिंपल डिसीजन मेकिंग किया कि अगर इनकमिंग पॉइंट का विंड यस है तो मैं सीधे बोलूंगा हां खेलना है, अगर नो है तो हम बोलेंगे नहीं खेलना है. सी अगेन, अभी हम लॉजिक के ऊपर नहीं जा रहे, सो बस जैसा पॉइंट है वैसा हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, नाउ अगेन लेट्स टॉक अबाउट द यस पॉइंट्स, एक दो और तीन. ठीक है, और तीनों में देखते हैं क्या है. सो दिस यस इज यस, दिस यस इज नो, दिस यस इज यस. सो टोटल देयर आर थ्री पॉइंट्स, टू आर करेक्टली क्लासिफाइड एंड वन इज इनकरेक्टली क्लासिफाइड. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नो पॉइंट्स, वन टू ओके, सो देयर इज सम मिस्टेक, देयर आर फोर यस. ओके, या सो यस फॉर यस, नो यस no, so there are two yes points and two no points. Sorry for the mistake. Let's talk about the no points. No, 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 yes. So again, one yes, one no. So now you can see this time around this decision tree or decision stump is making three mistakes. Yes wale case mein do aur no wale case mein. Theek hai? Now let's move on to the humidity column.
So again, humidity equals to yes. This is the logic. So there will be yes and there will be no. Okay, now let's talk about yes. 1, 2, 3, and 4. So this is no, this is no, this is yes, this is yes. So again, there are 2 yes and 2 no points. Let's talk about the no points. No and no. So again, 1 yes and 1 no. So you can again see, humidity ke case may be, there are 3 incorrectly classified points. Okay. So I hope abhi tak decision stump banana samajh mein aa gaya. Okay. Now let's move on to the next step.